नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़ और मैं हूं विजय मिश्रा। आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ में। हमारे साथ हैं रंगनाथन जी। रंगनाथन जी नमस्कार। नमस्ते मिश्रा जी। तो अभी तक आप रंगनाथन जी को अच्छे से जान गए होंगे। जैसा कि हमने यह डिसाइड किया था कि हम बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग भी थोड़ा सा ढूंढें और चीज़ों को हमारे सामने रखें ताकि हो सकता है कि हमें जो उत्तर पता है वह आपसे अलग है, तो हम और ज़्यादा फिर छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि आपका उत्तर सही है या जो हमें पता चला वह सही है, और जो भी फिर फाइनल होता है हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के उत्तर में कि सीता मैया को किस तरह से यकीन हो गया था कि हनुमान जी वाकई में भगवान राम के दूत हैं। उसी कड़ी में हम आज एक नया सवाल लेकर आए हैं जो हमारे रंगनाथन जी पूछेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे व्यूअर से सवाल पूछिए रामायण से रिलेटेड। दर्शकों के लिए फिर से एक बार नमस्कार। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बहुत आसान सा सवाल है। सीता मैया रावण के अशोक वाटिका में 10.5 महीने बीते थे, बिताई थी। 10.5 महीने? हाँ, लोग बोलते हैं 1 वर्ष। देखिए, ये 10.5 को 1 महीना 1 वर्ष बोलने में हम भी बोलते हैं ना, 1 वर्ष बीत गया करके, ऑलमोस्ट ऐसा ही। अच्छा, एग्जैक्टली एक साल नहीं बीता था, 10.5 महीने बिताई थी युद्ध के बाद। आप युद्ध को भी आप इकट्ठा करेंगे तो ऑलमोस्ट 11 महीना हुआ था, क्योंकि 7 दिन का युद्ध हुआ था, तो ये सब मिला के आप देखेंगे तो एक्चुअली 11 महीने बिताई थी। तो 10.5 महीने तक जब वो अशोक वाटिका में थी तो रावण ने उसको क्यों छुआ भी नहीं, क्योंकि वो तीनों लोक का राजा था, साक्षात इंद्र भी उसे डरता था। इंद्र को तो उसके बेटे ने खुद जीत लिया था, इसलिए उसका नाम तो बात ही अलग, मेघनाद का नाम इंद्रजीत बन गया। तो इतना बड़ा शूरवीर पराक्रम राजा अगर चाहे तो सीता मैया को अपने अंतपुर में लेके जाके उनसे शादी किया कि जबरदस्ती कर सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया, उसका क्या रीजन है, ये है आज का सवाल। कि वो वाकई में एक महान आदमी था। हमारा सवाल यह है कि वाकई में रावण इतना महान आदमी था कि उसने सीता माता को उनकी मर्जी के बिना नहीं टच किया, कि जैसा कि आजकल एक्चुअली मैं तो अस्टॉनिश्ड हो गया इस तरह के मैसेजेस देख के हमारे व्हाट्सएप में आते हैं, फेसबुक में आते हैं, खासकर जब रक्षाबंधन का टाइम होता है तो बहुत आएगा, तो माँ पूछेगी ओके बेटा आपको कैसा भाई चाहिए, तो बेटी बोलेगी कि मुझे तो रावण जैसा भाई चाहिए। ठीक, ये फैशन बन गया है आज का, बन गया है। आप यकीन नहीं करोगे, रक्षाबंधन के टाइम में यह मैसेज कई बार आता है। आपको याद है एक बार हमारे यहाँ जो हम जैसे हम हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो एक बार हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, कोई हेल्प चाहिए किसी को तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया ब्लड डोनेट करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। हम लोग यहाँ पे मंदिर में भी जाते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं साथ में बैठ के, हम सबके मंदिर हैं। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ जैसे हमारे जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के मंदिर हैं, साउथ इंडिया के मंदिर हैं, अपना बालाजी का टेंपल भी है इधर, बालाजी का भी टेंपल है, अपना रंगनाथ स्वामी जी का भी टेंपल, शिव जी का भी टेंपल है, का भी है, राम भगवान का है, अयप्पा का भी टेंपल है, अयप्पा का भी है, साई टेंपल भी है। हाँ, तो हम उन सब जगहों में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, अच्छी सोशल लाइफ है हमारी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था, शायद रक्षाबंधन का समय चल रहा था ऐसा कुछ था, तो उसमें मैसेज जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि कैसा भाई चाहिए, तो बहन बोलती है कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, तो माँ पूछती है बेटा रावण जैसा भाई क्यों चाहिए, इतने अच्छे भाई के एग्जांपल हैं, आपको रावण जैसा ही क्यों चाहिए। तो वो बेटी का उत्तर होता है कि माँ रावण इतना महान, जैसा आपने बोला महान आदमी था,
उसने देवताओं, मैंने रावण को महान नहीं बोला, मैंने बोला वो बहुत हाँ शूरवीर था, देव मतलब बड़ी बात थी, हाँ बड़ी बात थी, पराक्रमी था, जिससे भगवान भी डरते थे। तो वाकई में पराक्रमी था, देवताओं को जीत चुका था, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। तो सब सही बात है, ऐसे ही इंसान जब किसी को पसंद करके ले गया कि मैं तो तुमको ले जाता हूँ जबरदस्ती, उसके बाद भी उसने उनका मतलब क्या बोलते हैं जबरदस्ती शादी नहीं की, कुछ गलत करने छुआ भी नहीं था, नहीं छुआ भी नहीं था, हाँ ही डिडंट इवन टच। तो मुझे ऐसा भाई चाहिए जो एक महिला की रिस्पेक्ट करे, एक औरत की रिस्पेक्ट करे, ऐसा भाई चाहिए। एक्चुअली इंटेंशन वो था, और लोगों को भी यही लगता है कि सीता मैया लगभग एक साल तक रावण के पास थी और वो फिर भी वापस आई, उनके ऊपर कई लोगों ने बोला भी, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी और मतलब लोगों को यकीन हो गया, सबको, देवताओं को भी यकीन हो गया, जिनको भी डाउट रहा होगा सबको यकीन हो गया कि वाकई में रावण ने सीता मैया को नहीं छुआ था। तो यही हमारा सवाल है कि क्या वाकई में वो महान था या उसके पीछे की कुछ घोर वजह थी जिसकी डर के मारे रावण सीता मैया को नहीं छूता था। वो सवाल का जवाब देंगे हमारे दर्शकों। मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आपने बोला कि एक लड़की को रावण जैसा भाई चाहिए, ऐसा कोई लड़की बोल रही है तो वो थोड़ा इनोसेंट हो सकती है, जिसे पता ना हो। अगर क्योंकि ये सवाल का जवाब जब हम देंगे या कोई हमारे दर्शक देंगे और उनसे उनको पता चलेगा कि रावण सचमुच कैसा आदमी था, बाद में वह ऐसे लड़की कोई भी नहीं पूछेगी कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, क्योंकि रावण वाकई में अच्छा आदमी नहीं था, वो एक राक्षस था और राक्षस के गुण उनके अंदर पड़े थे। उसके बारे में हम बाद में जब जवाब आएंगे तब पूरा डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ये जवाब सुनने के बाद भी वही लड़की बोलेगी कि मैं फिर भी मुझे रावण जैसा ही भाई चाहिए, तो वो शूर्पणखा ही हो सकती है, शूर्पणखा के लिए ही रावण जैसा भाई चाहिए। सही, आप यह तो बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला, मेरे ख्याल से मेरे हमारे दर्शक भी इससे एग्री करेंगे इस पॉइंट से। किसी को निंदन करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जवाब सुनने के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा उसका सही रीजन क्या है करके, सही रीजन पता होने के बाद भी मांग रही है तो तब की बात हम बात अभी बात बोल रहे हैं। तो दर्शकों से विनती करते हैं कि जैसे आपने पिछले एपिसोड के लिए हमारे लिए बहुत सारे सहारा दिए थे, इस बार भी सहारा देंगे, बहुत सारे आपके जवाब के लिए हम लोग इंतज़ार करके करेंगे और अगले एपिसोड में इसका जवाब देंगे। तो मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो उत्तर है इस वीडियो के लिए वह सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब में ही पूछें, क्योंकि उससे हमें सुविधा होती है और काउंट करने में भी आसानी होती है। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के साथ में आपके जो भी कमेंट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट आपकी फ़ोटो के साथ लगा के और उसको शेयर करें, ताकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि आप जो लिख रहे हैं, जो प्यार हमें दे रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से रिसीव कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी ना लगे, कुछ सजेशन हो, तो आप दिल खोल के अपनी बात को रखें। इस एपिसोड में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।